सुंदर तो नहीं कह सकते बट समथिंग रियली क्यूट अबाउट हर एंड शी इज लाइक ओए तब तो उसका पक्का बॉयफ्रेंड होगा. ए नहीं है यार. अच्छा तुझे कैसे पता? अरे मैं उसको जानता हूँ यार. बेवकूफ कहीं का. ओए ओए किस बात का पीछा किया तूने? जब इस कुंफू पांडा की गर्लफ्रेंड हो सकती है तो सुंदर दिखने वाली तेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड नहीं होगा क्या? हाँ बी प्रैक्टिकल यार. समझता नहीं है ये. एक बात तू याद रख ले, अगर सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड ना हो तो उसके लिए डूम मरने वाली बात है. देखा इसने भी कह दिया, यही पॉइंट है बे. एकदम सही कह रहा है. उस दिन मुझे मेरे दोस्तों की बातें सही लगी थी, इसलिए मैं उससे कैसे मिलूं ये सोचकर मैं सीधे उसके कॉलेज जा पहुंचा. और तब जो हुआ वो बात मैंने कभी सोची भी नहीं थी. अरे हट, ये इतनी देर अंदर क्या कर रही है? रोज तो इस टाइम पर आ जाती थी. क्या देख रहे हो तुम? वो बस ऐसे ही मुझसे मिलने आए थे ना? नहीं नहीं नहीं, वो फ्रेंड्स स्टडी सेम कॉलेज, इसलिए मिलने चला आया. ठीक है, अब क्या प्रोग्राम है? कैसा प्रोग्राम? दो हफ्तों से मुझे फॉलो कर रहे हो और दो हफ्तों बाद तुम मुझसे ये बात पूछोगे? सो व्हाई वेस्ट टाइम एंड एनर्जी? कहाँ चलना है, क्या प्रोग्राम है? रेडी कॉफी पीने चले? ओके यस. ए रास्ते में मुझे थोड़ा काम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? श्योर नहीं है, रास्ता बताओ ना. सीधे चलो. उधर उधर राइट लो. यहाँ पर? हाँ. ये तो वाइन शॉप है ना? मालूम है. भैया ठंडा स्ट्रॉन्ग में क्या है? कौन से चाहिए मैडम? 6K नहीं है क्या? स्टॉक में नहीं है मैडम. ठीक है दो दे दो. 220 एक वाटर है मेरे को. चलती हूँ भैया. सुनिए. हाँ आपको कब से ये आदत है? तुम्हें कब से दारू की आदत है? कॉलेज के दूसरे दिन से ही आदत है. तुमसे सीनियर हूँ, इंटर कॉलेज से ही शुरू की थी. बस ओनली बियर बॉस. अरे बाप रे, आजकल की लड़कियाँ ऐसी हैं. स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये रुको ना. अब क्या हुआ? पकड़ो लो. मेरे बाप ने देखा तो खाल उधेड़ देगा. कॉन्डम्स देना जरा. एक या दो? यहाँ क्या खरीद रही है? किस्मत वाला है. 10 दे दीजिए. ये आदमी मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? इतना पैक क्यों कर रहे हो? जल्दी मत करो बेटा. हाँ, ये लो. थैंक्स. वहाँ तो बियर खरीदी, यहाँ क्या खरीदा? चलो. कहाँ? सीधे. आओ. अभी हम यहाँ क्यों आए हैं? बैठो. संभिया? नो थैंक्स. आर यू अ वर्जन? नहीं हो? अब आई एम प्योर वेजिटेरियन. हाँ? वो आई एम प्योर वर्जन, ऐसा मैंने कहा बस. जाकर उस ग्रिल को बंद करके आ जाओ. सुना नहीं क्या? हाँ सुन लिया. अभी ग्रिल बंद करवा रही है, आगे क्या क्या करवाएगी पता नहीं. तुम्हारा नाम क्या है? सतीश श्रीवास्तव. सारे दोस्त मुझे प्यार से सगु बुलाते हैं. सतीश श्रीवास्तव सगु? दोनों अच्छे नहीं है. दोनों अच्छे? मैं तुम्हें सनी कह के बुलाऊंगी. सनी? मेरा नाम तो सतीश है, नाम सनी रखूंगा तो सनी. कॉन्डम्स, मुझे पता चल गया कि आप मेरा टेस्ट ले रही हैं कि मैं शरीफ हूँ या नहीं. अच्छा? बट आई एम परफेक्ट जेंटलमैन, समझी? फाइन. वहाँ कोई है देखो तो जरा. जाओ. अब हे भगवान. अरे बाप रे. मजा आ गया यार. कोई नहीं है जी, कुछ लड़के कैरम बोर्ड खेल रहे हैं. सुपर सुपर. सुनिए. ये आप क्या कर रही हैं? तो इसके लिए खरीदे थे?
मैं तो कुछ और ही सम... एक्चुअली अभी इसका क्या करोगी? हाँ, गेम खेलने वाले हैं, पकड़ो चलो। फिर से कंफ्यूज कर रही है। अब मैं डालूं क्या, बोल। हाँ, अरे डालना डालना, अरे कोई डालना भाई। कौन है ये लोग? आई लव इट, सेम हियर। ए क्या रे, तेरे घर के सामने दारू पी तो तूने पुलिस में कंप्लेन की? ए, आई ओके? इस बार तो तेरे ऊपर सिर्फ बियर फेंकी है, अगली बार कुछ और फेंकूंगा, चलो रे। अरे वाह, तुम यहाँ क्यों चली आई? सनी, जाकर इन्हें मार के आओ। क्या कहा, इन्हें मार कर आऊं? ये क्या कह रही तुम? तो इसका बॉडीगार्ड है क्या? तो कोई बहुत बड़ी तोप है क्या बे? बॉस, ऐसा कुछ नहीं है बॉस, ये तो ना समझ है इसलिए। सही कह रहा है, अब चलो यहाँ से, चलो 10 लोग है, चलो भागते हैं। हाथ छोड़ मेरा। क्या हुआ? अब तुम मारोगे या मैं मारूं? ए, तुम मारोगी? क्या बोली रे, मारेगी तू मेरे को? मारेगी? ब्रदर, ब्रदर, ए मारना। अरे बच्ची ए, मार, है, गलती से बोल दिया, प्लीज प्लीज भाई। ए मारना रे, मार मार, ए मारना, चल मारना। ए उन्हें नीरोज से क्यों मारा तुमने? हेलो, पहले ये बताओ कि तुमने मुझे फॉलो क्यों किया? वो तो मैं अच्छी लगती हूँ तुम्हें? अब शर्मा मत, बताओ ना, अच्छी लगती हूँ ना? मुझ में क्या पसंद आया? अरे लगता है यही कहीं है वो, ढूंढो सब उसको। अरे यही होगी वो, कहीं नहीं गई इधर से, देख रहा हूँ। बताओगे या नहीं? अब चिल्ला क्यों रही हो? तुम टोटल अच्छी लगती हो मुझे, उसमें तुम्हारी आंखें तो बहुत अच्छी लगती। सच में? तो फिर प्रॉमिस करो, मैं अभी बोल देती हूँ, मुझे ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी है, ऐसे कंडीशन नहीं होने चाहिए। 3 दिन मैं खाना पकाऊंगी, 3 दिन तुम पकाओगे, 1 दिन बाहर खा लेंगे। पकाना होगा? तुम पीना चाहो तो घर में पी सकते हो, किसके मुझे साथ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिगरेट पीना घर में अलाउ नहीं है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तब। हेलो हेलो हेलो, अब ये सब क्यों बोल रही हो? शादी से पहले सब डिस्कस करना चाहिए सनी। अच्छा, शादी? क्यों, शादी नहीं करोगे क्या? ऐसा नहीं है, हम तो अभी पहली बार मिल रहे हैं ना, इतनी जल्दी शादी की बात कर रही हो, इसलिए मैंने। तो फिर क्या करें? हम रेगुलर मिलते रहेंगे, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेंगे। कल 3 बजे कॉफी शॉप में मिलते हैं। सही कहा तुमने। परफेक्ट। कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? जिससे अभी अभी मिलकर आए हो। मैं और लड़की से? क्या माँ तुम भी ना, किसी ने मेरे बारे में तुमसे गलत कह दिया। उस लड़की ने फोन किया था, तुम्हारे पापा से बात हुई। पापा? उसने पापा से क्या बात की? तुम लोग कल 3 बजे विजयनगर के कॉफी शॉप में मिलने वाले हो ना, उसे मैडम ने पोस्टपोन किया 5 बजे, तुम्हारे पापा ने तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कहा है। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, वैसे भी वो तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और अब ये सब झेलूं? हाय सनी, तुमने मेरे घर फोन क्यों किया? तुम्हारे पापा को बताया था, उन्होंने बताया नहीं? यही कि 3 बजे तुम नहीं आ सकती, इसलिए 5 बजे आओगी, ये बात तुमने मेरे पापा से कह दी। हमारे मिलने की बात आज नहीं तो कल हमारे पेरेंट्स को पता चल ही जाएगा। और ये सब बातें सनी, बताने से पहले हम क्यों ना अपने पेरेंट्स को खुद ही बता दे, तुम्हारे कुछ समझ में आया? मतलब तुमने अपने घर पे भी बता दिया? हाँ सनी, जब तुम्हारे पापा को बता सकती हूँ तो क्या अपने पापा को नहीं बता सकती? इनफैक्ट कल 3 से 4:30 तक राहुकाल रहेगा, 5 बजे मिलेंगे, अच्छा रहेगा, पापा ने बताया। ओ, बाप रे, ये 54 कम लगती है, इसका बाप तो 58 कम लगता है। क्या कहा? तुम्हारे पापा की तरह मेरे पापा नहीं है, कोई बात ना हो तो भी इतना तांडव कर लेते हैं, अब मेरी क्या हालत होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी सनी, तुम बोलो तो मैं तुम्हारे पापा से दोबारा बात करूं क्या? नहीं मेरी माँ, नहीं, बस बहुत हो गया, नहीं जमने वाली। नहीं जमेगी मतलब?
तुम्हारी तेजी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम तेज हो मैं जानता हूँ, लेकिन अब पता चला कि बहुत फास्ट हो। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब खत्म करो। तुम्हारा डिसाइड करना ही काफी है क्या? तो फिर मुझे भी डिसाइड करना होगा। तो कर लो। ये सब बातें फोन पे नहीं होगी, कल तुम 5 बजे आ जाना। क्या है, डरा रही हो मुझे? नहीं सनी, ऐसी बात मत करो। हेलो, तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरे अंदर सो रहे शैतान को मत जगाओ, फोन रखो। सनी बोलेगी, सनी। सतीश, 5:30 बज गए यार, तू उस लड़की से मिलने नहीं जाएगा? वो लड़की है क्या? है, चिल्ला क्यों रहा है? टॉर्चर कैसे यार, ऐसा क्यों कह रहा है? अरे पहली बार मिलने पर 10 लोग पीछे पड़ गए, मेरे घर फोन करके सबको कह डाला उसने। तेरा फोन नंबर उसी कैसे मालूम चला? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो ठीक है भाई कि मेरे घर का फोन नंबर मिल गया उसे, अगर मेरे घर का एड्रेस मिल गया होता तो। अरे नई चप्पल, दीदी की चप्पल का साइज तो ये नहीं है, और माँ तो उसकी तो उम्र ही नहीं है ये सब पहनने की, तो किसकी हो सकती है? तीन तैदी जुनता चक तैदी जुनता तीन तैदी जुनता चक तैदी जुनता तांगड़ने का दिंगड़ने का तांगड़ने का दिंगड़ने का। बाप रे, ये तो घर तक चली आई। हाय हाय, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ सनी। ए, मजाक समझ रखा है क्या ये? तुम मुझे जानती नहीं हो, बाहर निकलो यहाँ से। क्या कहा? बाहर निकलो यहाँ से, समझ में नहीं आता है क्या? ऐसे ही बात करो, मुझे पसंद आया। मैं तो ना, अब मुझे क्यों पकड़ रखा है तुमने? आंटी, क्या हुआ बेटी? अरे क्या कर रही है, छोड़ो मुझे। कोई आया है? हाँ अभी आती हूँ। तुम्हारा पागलपन तो बढ़ता जा रहा है। बाप रे, बेटा तू तो गया। तू बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आ। ये मेरा बेटा सतीश है, अभी पढ़ाई पूरी की है। आई एम सो सॉरी आंटी, मुझे पता नहीं था। हाय, आई एम काव्या। माँ, अकेले में बात करनी है। हाँ तो बात कर लो ना। तुमसे बात करनी है, चलो। गुस्से में है, मैं बात करके आती हूँ, चल बेटा। ये यहाँ पर क्या कर रही है? क्या कर रही है मतलब, तुम क्या इसे पहले से जानते हो? वो कौन है, मैं पूछना चाह रहा था। अरे बहुत अच्छी लड़की है बेटा। बहुत बड़ा धमाका है, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। वो तो ठीक है, लेकिन माँ वो यहाँ क्या कर रही है? तेरी बहन से ट्यूशन लेने आई है। नहीं मुझे मंजूर नहीं है। मैं तो फ्री हूँ, तुम्हें जिस टाइम कन्वीनियंट लगे तब आ सकती हो, हफ्ते में 2 बार आना बस। हाँ वही है, दैट विल बी बेटर, ठीक है ना? रोशनी, तुमने जूस पिया ना, तुम बुधवार को आ जाना। तुमने मुझे कहा? एक मिनट मेरी बात सुनोगी? एक मिनट, क्या बात है, आज बड़ी इज्जत कर रहे हो। दीदी कह के बुलाया मुझे, काम क्या है बोलो। तुम उसे ट्यूशन मत पढ़ाओ दीदी। क्यों? वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगती है दीदी, इसलिए। वही पूछ रही हूँ क्यों। ए, अब हर बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, उसे ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझी, जाकर कह दो। ओके। देखा काव्या, तुम्हें कितने दिन आने को कहा था मैंने? 2 days मैम। ओके, अब तुम 5 दिन आना, ठीक है ना? श्योर। हेलो। हाय सनी। किस बात का सनी, तुम खुद को हीरोइन समझती हो क्या? आईना देखा है कभी तुमने? नहीं तो क्या? क्या? घर से बाहर तो आओगी ना, तब देख लूंगा। थोड़ा घूम के देखो। घूम कर देखो? घूमना बे। आ गई मैं, अब क्या करोगे तुम? ए, क्या ये घूम बे, तू तू करके बात कर रही है? तुम्हारी हाइट कितनी है सनी? मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुम ये सब क्या बोल रही? डेली जिम में वर्कआउट करते हो क्या? तुम दबा क्यों रही हो? तुम मेरे घर क्यों आई थी? मैं ना, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे अंदर एक जानवर है, इसलिए मैं उस जानवर से मिलना चाहती हूँ, उसे बाहर निकालो ना।
वेरी बैड बिहेवियर, हाथ हटाओ। अब क्या चाहिए तुम्हें? फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने कल ही कह दिया था ना कि तुम्हारी मेरी नहीं जमेगी, छोड़ दो मुझे। ओए क्या ओए? फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? नहीं तो? तो क्या मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कहा था? नहीं। तुम्हें कहा था मैं तुम्हें पसंद हूँ? हाँ कहा था मैंने, तब पसंद हो कहा था, अब नहीं हो कह रहा हूँ, अब छोड़ दो मुझे। पसंद हो ये कहने का काम सिर्फ लड़के करते हैं, उनके साथ रहना है या नहीं रहना ये डिसाइड हम लड़कियाँ करती हैं, उसमें तुम टांग मत अड़ाओ ना। तो अब तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे साथ कंटिन्यू रहने का फैसला कर लिया, अब तुम भी फिक्स कर लो, जानती हूँ तुम्हें। हेलो, मेरे बारे में क्या जानकर इतनी बातें बोल रही हो? तुम्हारा पूरा नाम सतीश श्रीवास्तव है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 14 है, इंटर में 74, स्पोर्ट्स कोटा में हिंदुस्तान कॉलेज में सीट मिली है तुम्हें, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, फैमिली से ज्यादा दोस्त पसंद है, उनकी बात मानकर एग्जाम कट करके 6 महीने के लिए मौज करने की सोचकर उस टाइम पर मेरे पीछे घूम घूम कर मेरा मन बदल कर अब तुम छोड़ के भागना चाहते हो? इतना काफी है ना? इतना सब तुम्हें कैसे पता? मुझे और भी बहुत कुछ पता है, वो बातें हम शादी के बाद करेंगे। शादी की बात तुम मत करो, अभी मैं छोटा हूँ। तो बड़ा किसको बोलते हैं बताओगे तुम? तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ सनी, मैं तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखूंगी। तुम्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है वो मैं नहीं जानता, ओके? तुम्हारा एग्जाम बंद करना तुम्हारे पापा को पता नहीं है ना? सतीश तू तो गया। मुझे ड्रॉप कर दो तुम घर तक। तो ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? ओए अब तो बता रहा है ना, छोड़ ना। सतीश अभी वो कहाँ है तू ये बता, बाकी सब हम देख लेंगे, ये ले। अरे तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ये किस्मत वाला है जो इसे अच्छी लड़की मिली, खुश होने के बजाय ये यहाँ देवदास बना हुआ है। ए अरे मेरी बात का बुरा मत मान यार, तू अच्छा इंसान है, मैं ना नहीं कहता, बट यू डोंट हैव ए जॉब। कल उसे कहीं घुमाने जाना होगा तो तू नहीं जा पाएगा क्योंकि तेरे पास कोई कार नहीं है। कोई महंगी गिफ्ट, रोमांटिक डिनर, ये सब तू दे पाएगा क्या? सतीश मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, तू उसे क्यों पसंद नहीं करता? बस कोई एक रीजन बता, लेकिन जेन्युइन। एक क्या यार, 10 बताएगा? हाँ तो बता दे। ये ले। अरे मैं जा रहा हूं यार। मैं बताऊं क्या? तेरे पापा, सही कहा ना? एक लड़की का फोन आया था, वो मुझसे प्रोग्राम पूछ रही थी, वो लड़की है कौन? वो लड़की मैं सब जानता हूं, ये उम्र ही कुछ ऐसी है, लेकिन याद रखो तुम ये जो खाना खा रहे हो तुम्हारे बाप की कमाई का है, पहले अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, उसके बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाना। अभी भूल जाओ उस लड़की को। ए, इसके बाप ने आज तक प्यार के लिए सपोर्ट किया है ना कहने के लिए 36 कारण बता देते हैं ये लोग। उनके कहने में भी आखिर गलत क्या है, ये भी तो कह रहा था कि मेरे पास जॉब नहीं है, कार नहीं है, कैश नहीं है, आई एम स्टिल डिपेंडेंट यार, मुझे खुद को मैनेज करना ही मुश्किल लगता है। इस हालत में एक लड़की, उन्होंने मुझे समझाने के लिए ही ऐसा बोला था। हे, क्या बात है, सुना दोस्तों, इसके पापा ने कुछ कहा और ये बदल गया। वो मासूम है यार, उसमें उसकी क्या गलती है? उसके बारे में तूने थोड़ा भी सोचा है क्या? वो मेरे लिए ठीक है ये सोचने के अलावा मैं उसके लिए ठीक हूँ क्या ये नहीं सोचा मैंने, अगर सोचा होता तो। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? काव्या तुम ऐसे क्या दिख रहा है तू, हमने ही बुलवाया। तो प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, ये सब पता नहीं था तो मेरा सारा टाइम तुम्हें कन्विंस करने में वेस्ट हो गया। ठीक है छोड़ो, तुम नहीं तो कृष्णा है ना, अब मैं उनसे ही बात कर लूंगी। कृष्णा, तेरे बाप के पास जा रही है। काव्या सुनो तो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पापा से बात करने जा रही हूँ। क्या ये, पागल हो गई हो क्या? नहीं यार, सीरियस बोल रही हूँ, मुझे उनसे बात करनी ही पड़ेगी। क्या कहोगी कि हम दोनों प्यार करते हैं, शादी करवा दो बोलने वाली हो क्या? पागल कहीं की नहीं। तो फिर जो भरोसा उन्हें तुम पर 25 सालों में नहीं हुआ, जो 2 महीनों में मुझे हुआ, ये कहना है
तुम भी पैसा कमा सकते हो। सिर्फ कमाना नहीं होता है, हम सबका अच्छे से ख्याल भी रख सकते हो, ये कहना है। समझे ना तुम।